राधे राधे दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बना बहुत ही लाजवाब रेसिपी। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। चलिए तो फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में 4 चम्मच चने का सत्तू लेंगे। ये भुने हुए काले चने का सत्तू है, इसे मैंने 4 चम्मच लिया हुआ है। इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। 1 चम्मच डालेंगे मंगरैल और जवाइन, दोनों को मैंने मिला दिया है। 1 चम्मच डालेंगे अचार का मसाला, मैंने यहाँ पर भरे हुए मिर्चे का अचार का मसाला लिया हुआ है, आप कोई भी अचार का मसाला ले सकते हैं। 2 से 3 इंच अदरक, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार लेंगे। इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने दरदरा पीस लिया है। इसे भी सत्तू में डाल देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और थोड़ी सी बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे देसी घी, घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 कप पानी डालेंगे और इसे खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे। चम्मच से तो ये अच्छी तरह से मिल नहीं पाएगा, चलिए इसे हम अपने हाथों से खूब अच्छी तरह से मिला देते हैं। अगर मैं आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी और डाल सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, मैंने एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। इस रेसिपी को फ्रेंड्स, आप हमारे तरीके से एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। एक परात में मैंने 1/2 किलो गेहूं का आटा ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। बस इससे ज्यादा नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने सत्तू में भी नमक डाला हुआ है। 4 से 5 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसे खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छी तरह से गूंथ कर तैयार करेंगे। जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंथ कर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमें आटे को गूंथना है। और अब इसका छोटा छोटा पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे, गोला गोला बनाएंगे, फिर उसके बाद बीच में इस तरीके से कटोरी बनाएंगे और सत्तू का स्टफिंग इसमें थोड़ा थोड़ा भरेंगे। भरने के बाद चारों तरफ से इसे पैक कर देंगे। पैक करने के बाद इसका गोला गोला बाटी बनाकर तैयार करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है, आज मैं सत्तू की बाटी अप्पे मेकर में बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं। अप्पे मेकर को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे। इस रेसिपी को फ्रेंड्स, आप जब भी बनाइएगा देसी घी में ही बनाइएगा। और इस तरीके से एक एक बाटी हर एक मोल्ड में डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है गैस का फ्लेम। ऊपर से थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे और एक तरफ जब ये सिक जाएगा तब हम इसे धीरे धीरे पलट देंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से ये बाटी अच्छी तरह से सिक चुकी है और अब हम इसे पलट देंगे। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतने लाजवाब ये बाटी बनकर तैयार होते हैं। और सारे बाटी पलटने के बाद इस साइड भी हम घी लगा देंगे। इसे उलटते पलटते घी लगाते रहेंगे और ये दोनों साइड अच्छी तरह से सेक जाएंगे। ऊपर से कितना कुरकुरा आपको ये बाटी पसंद है आप अपने हिसाब से इसे सेक सकते हैं। और ये बाटी अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से कुरकुरा बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाटी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे चलिए हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने दाल भी बनाया है और चोखा भी बनाया है बाटी के साथ खाने के लिए। आप भी फ्रेंड्स, जब भी ये रेसिपी बनाइएगा दाल जरूर से बनाइएगा और चोखा भी बनाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, सलाद और नींबू और हरी मिर्च को लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नींबू का रस दाल में डालकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा बाटी कितनी अच्छी तरह से सेक कर तैयार हुआ है, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। एक बार फ्रेंड्स, आप हमारे तरीके से इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
फ्रेंड्स अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।